भीम नमः बुद्धाय पाखंडवाद का करो सफाए। मैं सपना करुणा, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व एक अजीब खबर चर्चाओं में आई थी, जिसमें 18 वर्ष की लड़की मांगली देवी की शादी कुत्ते से हुई थी। अफसोस तो यह है कि आज भी वहाँ ये पाखंड जिंदा है, जहाँ कुत्तों से होती है शादी। कुत्ते बनते हैं दूल्हे, लड़की को दुल्हन बनाकर साथ में साथ फेरे भी लिए जाते हैं, पंडित जी मंत्र भी पढ़ते हैं, हिंदू धर्म की सारी रस्में रिवाजें की जाती हैं। आज इस खबर में हम आपको इस पाखंड का रहस्य बताते हैं। आप सभी को मालूम है कि शादी हमारे समाज में एक प्यार का रिश्ता है। यह रिश्ता एक पुरुष और स्त्री का होता है। रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार हर धर्म में विवाह बंधन को पवित्र और महत्वपूर्ण मनाया गया है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अंधविश्वास के चलते भारत के कुछ इलाकों में आज भी विचित्र शादियां होती हैं। एक मामला झारखंड की राजधानी रांची के नजदीक एक गांव में देखने को मिला, जहां 18 साल की लड़की की शादी सिर्फ इसलिए एक कुत्ते से करा दी गई क्योंकि गांव के बाबा ने लड़की के परिजनों से कहा था कि लड़की के अंदर भूत प्रेत हैं और कुत्ते से शादी नहीं कराई गई तो परिवार तबाह हो जाएगा। एक बाबा ने मांगली के परिवार को कहा था कि बेटी की शादी किसी भी इंसान से कराने से पहले कुत्ते से करानी होगी। कभी स्कूल की दहलीज पर कदम नहीं रखने वाली मांगली कहती है कि वो कुत्ते से शादी कर खुश नहीं है, लेकिन अपने और परिवार के भविष्य को देखते हुए उसने ऐसा करना जरूरी समझा। वह कहती है, मैंने शादी इसलिए की क्योंकि गांव के बुजुर्गों का मानना है कि ऐसे करने से भूत प्रेत कुत्ते में चले जाएंगे। ऐसा करने के बाद मैं किसी भी इंसान से शादी कर सुखी वैवाहिक जीवन बिता सकती हूँ। इस शादी में पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, सभी ने नाच गाना भी किया, रस्में भी निभाई गई। उसके बाद कुत्ते को बाकायदे विदा कराकर घर लाया गया। इतना ही नहीं, शादी से पहले दूल्हा बना कुत्ता शेर भी आम दूल्हे की तरह कार में सवार होकर आया और लड़के के घर वालों सहित पूरे गांव ने उसका स्वागत भी किया। परिवार ने भी बाबा की बातों में आकर बेटी की शादी शेरू नाम के कुत्ते से करा दी। इस शादी से जहाँ गाँव वाले और मांगली के घर वाले खुश है, वही मांगली भी काफी खुश है। वह कहती है, मैं खुश रहूंगी और जल्दी मेरी गोद भर जाएगी। हमारे देश में कई इलाकों में परंपरा के नाम पर ऐसी शादियां सदियों से कराई जा रही हैं। ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ की जाती हैं। सभी प्रकार की रस्में रिवाजों को ठीक उसी तरह मनाया जाता है जैसे कि किसी लड़का और लड़की की शादी करवाई जाती है। सभी को निमंत्रण भेजा जाता है और हलवाई भी लगाए जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस शादी में रिश्तेदार भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये शादी कराए जाने के पीछे जो तर्क है वो तो और भी अजीब है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चों के ऊपर किसी बुरी आत्मा या भूत प्रेत का साया हो तो उसे दूर भगाने के लिए शादी करवाई जाती है। इसके साथ ही जो दूसरा तर्क दिया जाता है वो तो और भी अजीब है। ऐसा कहा बच्ची के ऊपर के दांत जल्दी से न आए तो उसमें भूत प्रेत का साया माना जाता है। उसके इस दोष को दूर करने के लिए कुत्ते के साथ शादी करवानी पड़ती है। माना जाता है कि वो कुत्ता उस लड़की को बुरे साय से बचा कर रखेगा और उसे किसी तरह की नजर नहीं लगने देगा। कई इलाकों में तो ये परंपरा हद पार कर जाती है। यहाँ बताया जाता है यदि लड़की या लड़के के जन्म कुंडली में किसी तरह का दोष हो तो कुत्ते से शादी कराई जाती है। इसमें उनका जन्म कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। यह छोटी उम्र में नहीं 18-20 साल की उम्र में कुत्ते के साथ शादी कराई जाती है। अब आप ही अनुमान लगाइए कि शिक्षा कितनी जरूरी है। शिक्षा के बिना मनुष्य जानवर रूपी जीवन जीता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए चाहे 2 रोटी कम खाएं पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, पाखंड को दूर भगाएं। यह खबर आपको कैसी लगी? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम आपके सामने ऐसी खबर और लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय भीम जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।